वेलकम टू द बायोग्राफी अड्डा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वंडरफुल क्रिकेटर जेमिमा रॉड्रिक्स की बायोग्राफी। तो आइए जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। जेमिमा का पूरा नाम जेमिमा इवान रॉड्रिक्स है। इनका जन्म 5 सितंबर 2000 को हुआ था। वह मुंबई वुमेन क्रिकेट टीम में एक ऑलराउंडर है और अंडर 17 महाराष्ट्र हॉकी टीम में रह चुकी है। वह अपनी बैटिंग के लिए काफी फेमस है। उनकी बर्थ प्लेस और होम टाउन भंडूप मुंबई है। उनके पिता का नाम इवान रॉड्रिक्स और उनकी माँ का नाम लविता रॉड्रिक्स है। उनके दो भाई भी हैं जिनका नाम एली रॉड्रिक्स और हनॉक रॉड्रिक्स है। और जेमिमा एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल मुंबई से पूरी की और बाद में रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स मुंबई से ग्रेजुएशन कम्प्लीट की। 4 साल की उम्र में उसने सीजन क्रिकेट खेलना शुरू किया। वे बेहतर स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए भी बहुत कम उम्र में शहर से दूसरे एरिया में चले गए जहाँ उन्हें स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटीज मिली। उनके पिता इवान रॉड्रिक्स उनके स्कूल में एक जूनियर कोच थे और जेमिमा अपने भाइयों के लिए बॉलिंग करते हुए बड़ी हुई हैं। जेमिमा के पिता इवान जो शुरू से ही उनकी कोचिंग कर रहे थे, उन्होंने अपने स्कूल में लड़कियों की क्रिकेट टीम शुरू की। जेमिमा ने एक यंगस्टर के रूप में हॉकी और क्रिकेट दोनों का आनंद लिया। उस समय जेमिमा को महाराष्ट्र के अंडर 17 और अंडर 19 हॉकी टीम के लिए चुना गया था। उनका क्रिकेट अंडर 19 का डेब्यू 2012-13 क्रिकेट सीजन के दौरान 12 साल की उम्र में हुआ था। और जब वह अंडर 19 स्टेट क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट की गई थी तब वह केवल 13 साल की थी। स्मृति मंधाना के बाद 50 ओवर के क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली दूसरी वुमन जेमिमा ही हैं। उन्होंने नवंबर 2017 में सौराष्ट्र टीम के अगेंस्ट औरंगाबाद में सिर्फ 163 गेंदों में 202 रन बनाए। इस स्कोर में 21 चौके शामिल थे। इस मैच से ठीक पहले उन्होंने अंडर 19 टूर्नामेंट में गुजरात की टीम के अगेंस्ट 142 गेंदों में 178 रन बनाए थे। उन्हें फरवरी 2018 में होने वाली दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए इंडियन टीम में नॉमिनेट किया गया था। उन्होंने 13 फरवरी 2018 को दक्षिण अफ्रीका की वुमेन क्रिकेट टीम के अगेंस्ट इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के लिए खेलते हुए वुमेन 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की। उनके वुमेन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत 12 मार्च 2018 को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुई। अक्टूबर 2018 में उन्हें वेस्ट इंडीज में 2018 आईसीसी वुमेन वर्ल्ड 2020 टूर्नामेंट के लिए इंडियन टीम में एज अ प्लेयर नॉमिनेट किया गया था। टूर्नामेंट के एंड के बाद उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा टीम में स्टैंड आउट प्लेयर के रूप में नॉमिनेट किया गया था। जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया में 2020 आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें इंडियन स्क्वाड में नॉमिनेट किया गया। जेमिमा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बहुत पॉपुलर और एक्टिव है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनकी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है। जेमिमा टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट रन्स बनाने वाली प्लेयर में से एक हैं। उन्होंने अंडर 19 टीम में 1013 रन बनाए और एक रिकॉर्ड कायम किया। उन्हें जून 2018 में बेस्ट डोमेस्टिक जूनियर वुमेन क्रिकेटर के रूप में जगमोहन दालमिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जेमिमा सचिन तेंदुलकर को खेलते देखकर बड़ी हुई है और वह सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी फैन है। उनके अलावा वह रोहित शर्मा और उनके खेलने की टेक्निक की भी फैन है। तो गाइस, ये थी वंडरफुल क्रिकेटर जेमिमा रॉड्रिक्स की क्रिकेट लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।